एक ओर जहां देश में हिंदू और मुसलमान पर राजनीति होती है और राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं, नेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा सामने लाते हैं और भाईचारे में खटास डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। एक यह कहावत भी है जो चरितार्थ होती है ग्राम नंदलेसरा में। देखिए रिपोर्ट। का नाम? शिव प्रसाद उके सर। कहाँ रहते हैं आप? नंदलेसरा जी। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2 सप्ताह हो गया जी। यहाँ पे आपके गांव में काम मिल जाते हैं आपको? हाँ सर, साहिद अली जब से सरपंच बने तब से अभी काम डेली मिल रहा है सर हम। अच्छा, तो कमाने आप बाहर नहीं जाना पड़ता आपको? नहीं जा रहे सर, गांव में काम मिल जाता है। मिल जाता है और भुगतान हो जाता है, पैसा मिल जाता है? हो जाता है सर। मेरे सरपंच बनने के पूर्व मैंने देखा है नंदलेसरा में पानी की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या थी, जो गर्मी आती ही पूरी ये जो पानी रहता था सूख जाता था, जल स्तर बहुत नीचे चले जाता था। फिर मैंने सोचा कि जाए और उसी के माध्यम से मैंने 11 तालाबों को निर्माण किया। 5 साल पूर्ण होने को आए, 11 तालाब बने, उसके बाद में गाँव का जल स्तर पानी का बहुत कुछ ऊपर उठ चुका है, जो गर्मी आने की में भी जल स्तर अंदर नहीं जाता, जिससे कि जो एक दो पानी के लिए जो फसल बर्बाद होती थी, जो मजदूर अपने किसानों को फसल नहीं मिल पाती थी, आज वो कृषि जो सिंचित है सिंचित हो चुकी है, उसकी वजह से उन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है। दूसरा एक फ़ायदा यहाँ पे ये हुआ है कि मछुआ समाज के बहुत लोग हैं, मछुआ समाज के वैसे मछली पालन का भी एक बहुत बड़ा बन चुका है यहाँ पे, जो 11 तालाब है यहाँ पे 2-4 तालाबों में अच्छी मछली पालन होती है, जिससे लोगों को यहाँ काफ़ी रोजगार मिल रहा है। मछुआ समिति वाले मछुआ समाज वालों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। का परिचय? मेरा नाम मदन लाल चकोले जी। मैं पंचायत में एमए डिग्री का काम करता हूँ। कौन सी पंचायत? ये ग्राम पंचायत नंदलेसरा जी। यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये तालाब का निर्माण कार्य, क्या पूरे मजदूर गांव के हैं? जी, गांव के पूरे। अली जी का कार्यकाल कैसा है? अली जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, 5 वर्ष हुए उनको सरपंच बनने को। 5 वर्ष में इतने निर्माण कार्य किए हैं कि यहाँ की जो जनता है हमारे नंदलेसरा की बहुत खुशहाल है। और इनने ये तालाब ही नहीं, सीसी रोडों के भी कार्य किए, जो मकान जो बने हैं इन मकानों के भी काम लाए और बहुत अच्छा कार्य किए हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। और जो इसके पहले जो पंचवर्षीय जो गई है सरपंच की, उनके तुलना में बहुत अच्छा सराहनीय काम रहा है इनका और बहुत अच्छा कार्य है। क्या पलायन रुका है यहाँ से? नहीं, पलायन नहीं रुका है, यहाँ मजदूरों को यही कार्य मिल जाता है और इनका भुगतान भी सप्ताह से 2 सप्ताह बाद मिलता है। यानी अब लोगों को कमाने बाहर नहीं जाना पड़ता? नहीं नहीं सर, नहीं, गांव में काम मिल जाता है। गांव मिल जाता था। आपका नाम? कहाँ रहते हैं आप? कौन सा गांव है जी? यहाँ पे ये कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? 2 सप्ताह से काम कर रहे हैं जी। आप को गांव में काम मिल जाता है? आप बाहर कमाने नहीं जाते? नहीं। यहाँ पे काम मिल जाता है गांव में? और भी दूसरे तालाब बने थे, वहाँ पे भी काम किया है आपने? अच्छा, ठीक। आपका नाम? कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे काम कब से कर रहे हैं आप? 2 सप्ताह हो गए। गांव में आपको काम मिल जाता है? आप बाहर कमाने नहीं जाते? यहाँ पे काम मिल जाता है गांव में? और भी जो विकास के कार्य हुए हैं तो पूरे 100 दिन आपको काम मिल जाता है, उससे घर चल जाता है? अच्छा, ठीक। का परिचय? यहाँ से चल रहा है 3 सप्ताह हो गए, यहाँ पे वर्क चालू है। कितने लोग काम कर रहे हैं? जी, आपके द्वारा जो लगभग यहाँ पे 11 तालाब का निर्माण कराया गया है, तो इतने सारे जो कार्य होते हैं, चाहे सीसी रोड हो, भवन निर्माण हो, आपके द्वारा कराया गया है, तो क्या गांव के मजदूर ही लगाते हैं आप?
जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी कभी बाहर वाले मजदूरों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। ये जब से बना तब से एक बहुत बड़ी चुनौती थी, यहाँ से पलायन ज़्यादा होते थे। जब हम बने तो हमने एक चैलेंज हाथ में लिया और सोचा कि गांव में ही सभी लोगों को एक काम दिया जाए, और तब से लेके लेकिन अभी जो हुआ है कि यहाँ से पलायन रुक चुका है। 5 साल हो गए यहाँ से किसी प्रकार कोई मजदूर बाहर नहीं जाता। यहाँ पर काम मिल जाता है उनको? आज तक जितने भी निर्माण कार्य हमारे द्वारा यहाँ किया गया है इसका समय पर भुगतान हो जाता है। जैसे मनरेगा में भी कहिए किसी भी प्रकार के भुगतान समय पर हो जाता है। आपके द्वारा लगभग ये ग्राम पंचायत में आज तक छोटे बड़े अगर तालाब की बात करें तो कितने तालाब बन चुके होंगे? मेरे कार्यकाल में 11 तालाब का निर्माण किया गया है मनरेगा के द्वारा। वो एक पानी का जल स्तर बना रहेगा, वो लेवल बना रहे, फसलों को उत्पादन मिले। एक पानी जो पानी के लिए जो फसल बर्बाद होती थी, मरती थी, उसमें आज हमारे 11 तालाब के बनने की वजह से जल स्तर भी अच्छा उठा है यहाँ पर, और जो कृषि एक पानी के लिए जो मरती थी वो भी आज बन गई। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस अब के बरस।